हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कब्ज से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। सबसे पहले हम जानते हैं कब्ज क्या है। डॉक्टरी भाषा में प्रति सप्ताह 3 बार से कम मल त्याग को कब्ज कहते हैं। मरीज सामान्य तौर पर अक्सर मल का कठोर होना, पेट पूरी तरह से खाली ना होने की भावना, शौच में कठिनाई होने को कब्ज समझ लेते हैं। कब्ज के लक्षण क्या हैं? सख्त मल होना, प्रति सप्ताह 3 से कम बार शौच जाना, पूरी तरह से मल त्याग न होने जैसा महसूस करना, मल त्याग के दौरान अत्यधिक कठिनाई महसूस करना, ये सारे कब्ज के लक्षण हैं। कब्ज का इलाज क्यों ज़रूरी है? कब्ज में इकट्ठे और कठोर मल होने के कारण उनकी चोट से गुदे में छोटी दरारें हो जाती है, जिसे हम एनल फिशर कहते हैं। इसके साथ ही लगातार जोर लगाने के कारण मल द्वार में और उसके चारों ओर की नसों में सूजन हो जाता है, जिसे हम बवासीर कहते हैं। बवासीर को हीमोरॉइड्स या पाइल्स के नाम से भी जानते हैं। कब्ज में मल त्याग में होने वाली कठिनाई और अधिक जोर लगाने के कारण मल द्वार से मलाशय का कुछ हिस्सा बाहर निकल जाता है, जिसे रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं। आइए अब बात करते हैं कब्ज से कैसे बचें। सही डाइट या खान पान का पालन करना चाहिए। दिनचर्या तथा जीवन शैली में सही बदलाव लाएं। शौच के लिए सही आसन का उपयोग करें। अब हम बात करते हैं सही डाइट के बारे में। सही डाइट के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीना चाहिए। कम से कम 8 कप तरल पदार्थ पीने से यह मल को नर्म रखता है। फाइबर युक्त खाना खाएं। बादाम, साबुत अनाज जैसे खाद्य पदार्थों में भरपूर मात्रा में फाइबर है और यह मल को नरम बनाता है। सही अनुपात में फल और सब्जियां लें। लाइफस्टाइल में सही बदलाव करना अति आवश्यक है। नियमित रूप से व्यायाम पेट को ज़्यादा सक्रिय करता है। शौचालय की दिनचर्या सेट करें, जैसे कि सुबह में या खाने के लगभग 30 मिनट बाद शौचालय जाना चाहिए। दबाव को अनदेखा ना करें। शौचालय जाने की आवश्यकता को अनदेखा करने से मल जमा हो जाता है, जो कि बाद में सख्त हो जाता है। शौच के सही आसन अपनाएं। आराम से कमोड में बैठें, पैरों के नीचे एक पीढ़ा या छोटा स्टूल रखें, जिससे घुटने कोहनी तक मुड़ जाएं। फिर आगे की ओर करीब 35 डिग्री झुक कर बैठें। इस तरीके में घुटने के में जोर नहीं लगता और कब्ज से भी आराम मिलता है। घुटने के मरीजों तथा भारी वजन के लोगों को भारतीय पद्धति के शौचालय से परहेज करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए लिंक को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।